दक्षा क्या जा रहा है जी? ये दक्षा स्वामीनारायण शताब्दी महोत्सव। अच्छा स्वामी, અને એ ક્યાં આવ્યો? ઓરેન્જ ગામ અમદાવાદ, બરાબર સાયન્સ સિટી રોડ થી જવાનું આવે છે। એવું છે એમ ને? પબ્લિક બહુ છે ભાઈ, સુવિધા પણ। 1:05 હો ચુકા હે ઓર હમ આ ચુકે હે સ્વામિનારાયણ શતાબ્દી મહોત્સવ। પાર્કિંગ નંબર 7 સે એન્ટ્રી લિયા હે ઓર આધા કિલોમીટર કરીબ ચલ ચુકે હે। इतना बड़ा है, अभी अंदर जा रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं सबको भी दिखा रहे हैं। ये हमारे पापा आगे चलते रहे हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। तू कैसा है? करीब 1:05 पर और इतना भीड़ है और ऊपर धूप भी इतना है। हाँ, व्यवस्था एक नंबर, हर जगह आपको खाने पीने की इंफॉर्मेशन और इनके सेवाभावी बंदे भी आपको मिल जाएंगे। डेकोरेशन इतना अच्छा किया है मगर पब्लिक ही इतना है और धूप भी इतना है, देखने का मन ही कम हो रहा है। ये पूरा मैप है अपने वहाँ पर खड़े, वहाँ से यहाँ जाएंगे। ये मेन मंदिर है, ये एसपी रिंग रोड गेट नंबर 4 से एंट्री लिया है। यहाँ प्रदर्शन जे 9, 10 ने 11 प्रदर्शन जे आ हॉल जे बता एमा प्रदर्शन। तो अभी हम एंट्री ले रहे हैं बाल नगरी। શું કેવું તો દક્ષા? બહુ સરસ બનાવ્યું છે પણ કંટાળી ગયા છીએ, પબ્લિક બહુ છે અને તડકો ભી પણ બહુ છે, એટલે હવે અમે ફરીવાર આવીશું। હમ, 4 દિવસ બરાબર। અને અહીંયા આવવા માટે બાળકોના જે શો છે એ 1-3 બંધ રહે છે, એટલે હવે અમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશું
बराबर ओके। तो दक्षा का कहने का मीनिंग ये है कि संडे के दिन और वीकेंड के दिन मत आओ, वर्किंग डेज में आओ और 3 बजे के बाद आओ अगर बच्चे लेके आ रहे हो तो। तो क्या है यहाँ पे बच्चे के लिए काफ़ी सारी अच्छी एक्टिविटी शो वगैरह है। एक एक शो की कैपेसिटी 750 लोगों की है। तो भीड़ इतनी है और गर्मी भी इतनी है, इसमें तो गर्मी में तो कुछ कह नहीं सकते बरोबर ना। मगर जगह जगह पे हर एक 50 मीटर के अंतर पे खाने का और फ्री में पानी पीने का सब दिया हुआ है और इंक्वायरी भी है। नहीं है, बहुत कम रेट में है खाने का सब। कितने कितने में है? अच्छा, हम गेट नंबर 4 से आए थे और गेट नंबर 4 से ही एग्जिट ले रहे हैं। टाइम हुआ है, कितना बजा है? 2 बजने को आया है। 1 घंटे के पहले पहले ही कंटाल गए तो अभी वापस जा रहे हैं। हमारे अथु भाई को जूस पीना है, इन शॉर्ट सोडा। दक्षा लेने गई है और अथु जी के दादा अंदर गए हैं। अच्छा हाँ, खाने की बात आई है तो रेट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे रेट है। दिख रहा है भजिया 50 ग्राम 100 रुपये, चना दाल 50 ग्राम 100 रुपये, गेहूँ 100 रुपये, की पाव भाजी खाने के लिए मेरे पापा गए लेने और हमारे दक्षा की भी बहुत इच्छा हो गई है पाव भाजी खाने की। उसको पाव भाजी खाने की इच्छा नहीं है, उसको 20 रुपए की पाव भाजी खाने की इच्छा है। 20 रुपए की पाव भाजी कैसी है वो जाए देखने के लिए। तो खानी इसको होती है मगर वो पापा को फोर्स करती है, खानी है पापा, खानी है पापा, खानी है। ये आ गई लो 20 रुपए की पाव भाजी। चम्मच नहीं लाए? रुको मैं लेके आता हूँ। चलते चलते अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब इतना बड़ा पार्किंग है कि साइकिल से लेकर बस, ट्रक, ट्रैक्टर सब पार्क हो सकता है। और पार्किंग के प्लॉट है, मेरी गाड़ी पार्किंग 728 नंबर के रो में है, लिख के गया था मैं। ऐसा तो फिर गाड़ी रुकना मुश्किल हो जाएगा भाई, इतना बड़ा पार्किंग है। और धूप तो बाप रे बाप, उसका काम ओके। तो अभी हम BAPS का शताब्दी महोत्सव में जाके आए, काफी अच्छा बनाया हुआ था और बहुत खर्चा किया है स्वामीनारायण पंथ ने। अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, शोज़ है। और दूसरी बात ये थी कि जगह जगह पे इंफॉर्मेशन डेस्क दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पीने की क्योंकि इतनी भीड़ रहती है तो लोगों को क्या चाहिए, एक तो फ्री एंट्री चाहिए और किफ़ायती रेटों में खाना चाहिए। तो वो हर 50 से 100 मीटर पर आपको एक प्रेमावती का स्टॉल मिल जाएगा। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगर आप जा रहे हो तो 3 बजे के बाद जाइए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि धूप इतनी सर पे चढ़ जाती है और वहाँ चलने का ज़्यादा है तो धूप इतनी सारी हो जाती है कि आप कंटाल जाओगे, पसीना आएगा, कार पार्किंग करना है आपको, आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ी पार्क करके जाना पड़ेगा, आधा पौना किलोमीटर, और फिर वापस वहाँ से आना जाना, फिर गाड़ी का पार्किंग ढूंढना, बहुत सारी हेक्टिक चीज़ें हैं। तो और ये था कि आप गाड़ी लेके मत जाओ,
ऑटो करके जाओ, उबेर करके जाओ, या तो कुछ कोई टैक्सी करके जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि ऐसा है कि निकलते निकलते ट्रैफिक ही इतना हो जाएगा कि आपको एक दो घंटे तो ट्रैफिक में ही चला जाएगा। तो बस यही था, बाकी बहुत खूबसूरत और अच्छी सी नगरी बनाई हुई है। शाम के टाइम पे जाओगे 3 बजे के बाद, मतलब 4 से 7 के बीच में, तो वहाँ पे लाइटिंग का भी आप अनुभव कर पाओगे। तो यही था, अभी हम वीडियो का एंडिंग कर रहे हैं। अभी हम घर पे आ गए, हमें घर पे आते आते 1.5-2 घंटे लग गए क्योंकि ऐसा था कि हम ट्रैफिक में खुद ही फंस गए थे। लोग इतना आ रहे थे, जा रहे थे, लोग सूरत से आए, बॉम्बे से आए, फॉरेन से आए, दिल्ली से आए। और ऐसा है कि जो आपने गांधीनगर स्वामीनारायण मंदिर जो है उसकी हूबहू कॉपी डाली हुई है वहाँ पे, तो जाइए। हम दूसरी बार जाएंगे, 1 महीने का शताब्दी महोत्सव है 15 जनवरी तक, तो हम दूसरी बार जाएंगे। मगर हमारा टाइमिंग ये रहेगा कि 4 बजे के बाद ही जाए और टैक्सी करके जाए, खुद की गाड़ी लेके नहीं जाएंगे हम इस बार। चलिए, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।